नमस्कार दुर्गम ओडिशा को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस। महानदी में भासीगले बाप पुओ और झील संबलपुर दलेपड़ा घाट में गाधोवा बेले अघटन अचेत अवस्था उद्धार होता बाप और पुओ मृत घोषणा एवं भी निखोज झील अंधार राति में लाइट लगाई अग्निशम बाहन उद्धार कार्य जारी। मालकानगिरी मोटु पुलिस बर्बरता घटन नुआ मोड़ तांत्रिक कथार बसी कंगारू कोर्ट दुई युवकों पुलिस 50,000 टंका मागी अभियोग पुलिस एपरी दादागिरी को नहीं उठला प्रश्न। संगीन होपातर स्वास्थ्य स्थिति अजणा रोग रचुच्छ मृत्युर तांडव कलाहांडी छुआमूल रामपुर नेहला गांव एक दिन में आखि बुझे चारिज कारण खोजी पाने डाक्तरी टीम। उपात को ना सरकार को दृष्टि रास्ता नटिया बुहा होती रोगी विजुली पानी जल पलटे सात सपन डिब्री आलुओं से पाठ पढ़ु छात्र छात्री बलांगीर सायबानी टेरा गांव देखा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ओपिलिपि संस्था विरोध में तेजुची डंगरिया स्वर सरकार कोटि कोटि टंका विनियोग पर भी हेउनी विकास प्रश्न कहा पॉकेट को जाउछि टंका। कोरापुट देवसनगुड़ा गांव में पड़ुरी सरकार को नजर रास्ता और ब्रिज नथिबारु विपद संकुल अवस्था होउछन्ति नदी पार सहायता नारे मिलुछि केवल दुई टंकिया चाउल। आसिया संपूर्ण खबर को पुणी महानदी अघटन गाधोवा बेले भासीगले बाप पुओ और झील समस्ते गोटे परिवार सदस्य संबलपुर दलेपड़ा घाट में घटी अघटन बाप और पुओ को अचेत अवस्था उद्धार करवर्त समय उभयर मृत्यु होता सूचना मिली सेपटे एवं झील निखोज अच्छी घटनास्थल में अग्निशम कर्मचारी पहुंच खोजा अभियान जारी रखिंट हीराकुद्र पा छड़ा जाउथिबारु पानी रे करंट थिबा अनुमान करा जाउछि तेणु पानी रे थिबा करंट भितर को टाणी नेबार आशंका मध्य रहिछि एबे भी खोजा खोजी जारी रहिछि ओ ड्राफ टीम चेष्टा करुछि केमिति झियो को एवं केते शीघ्र उद्धार करा जाय पारिबो। आमर पेंशन पड़ार संबलपुर एम डी अलताप तर पु एम डी अफ्ताप रुक्साना झील रुक्साना सहित गाधोवा को आसते तीन जन जाक भासीगले पु एम डी अफ्ताप को उद्धार करम लोकाल डंगा सा उद्धार कराला बर्तमान जदि ओडाफ टीम पहुंचती कि डंगा भाई मैंने से उद्धार कर डाक्तखाना नि ना पहरा ना शिखिथे के ना गाधन आसी बोले आम दलेपड़ा लेडीजे बोटे देखी से भी कपड़ा काची आसला बोले दुईटा छुआ बुड़ी गले बुड़ी गले बोले तार बापा बचे गले बोले से फेर पिला मन को डाकी गले से माने लेडीज सा पिला मन को डाकी गले रिंग रोड बसे थी लाइन जाइला ना लाइन जेते बेले आसला घटनाटा हिची हाँ लाइन थिला बेले गाधू थिले माने जे दुईटा छुआ बुड़ी गले तार बापा बचे गले तार बापा बचे गले बोले तो छुआ फेर तार बापा बचे गले बोले से लेडीज टाके डाकले मते पहुंचो दीदी बोले बोले से बचे बोले पिला मन को डाकी गले सब डोंगा डुंगी धरिकरी जाल जुली धरिकरी समस्त आसले मजे आसले आमे ठीक जा नदी का आसुछो हमले बले किल्ला ले लेडी गुडे किल्ला ले आसो 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 बोली करी आमे बाबलु के माछ फाछ के बोटा पाइजि के बाबलु बले कोले तीनटा छुआ तीनटा लोग बुडी बोले संग संग डोंगा फुंगा पिलान छाड़ के गोले हमकु हे बाबतरे अधिक सूचना पे हम सहित घटनास्थल रो हम रिपोर्टर मलय भई जोड़ी रही सुरेन्द्र बारिक आम सहित जोड़ी रही प्रथम जवाक चाहिए मलय भई आप निकट को मलय बर्तमान कौन अपडेट आसुची झीर कौन सुराग मिलला देखो माधुरी घटना बर्तमान आठटा है आर्यंत झीव पता मिल पारे जहाँ अग्निशम विभाग स्थानीय युवकों साहय प्रथम पुओ को बापा को उद्धार करते आए तांको झील को वर्तमान समय अग्निशम विभाग खोजिक पाए कहीं जिते राति जिते बढ़ुची से कष्ट हो खोजा खोजी करार ये कथा किंतु जो मैंने अच्छा जो मैंने सामिल अच्छा ये उद्धार कामी रेस्क्यू कम
तांकर प्रतिक्रिया नेबा जो मैंने नई भितर के जाते वर्तमान समय देखुमें स्थानीय युवक अच्छे जो मैंने पूरा संध्या समय लगे आज्ञा देखु आउ भी टीम जाते भितर के कण मिल पार कि ना किसी ना हो पार्ला रात लगी जना ना पड़वा है बोले सकाल देखम भितर को जाइन पानी भी एवं ढुकी पानी भी ढुकला ना मिलवार एवं तो जेनटा हवा सकाले हवा आमर पूरा टोटाल दोले पड़ा टीम जा बार पंद्रह लोक लोकाल डा सब तो पाँचटा लोकाल डा मिलवार ना बाकी अंदाजा खाली मुहे लगाऊ जेने के पचीस तीस फुट कहुचे एक्चुअली पचास फुट उपरे ना गाढ़ा अच्छे आज्ञा गाढ़ा अच्छे हेतल के तो नहीं मिली पार्बा चेष्टा तो कलु जितना जुड़े बाहर कर लु जिते भी हवा साढ़े चार चार पंद्रह नु लगी आज्ञा हाँ जान लुन सर की जेना कि आमर पड़ार जने कहले आसी जेना कि गाधवाल आई थे जेनटा टॉयलेट करवा लगे से कहले बोले सांगे सांगे लगलु ये करवा लगे जदि ना हवा आम जिते सकाल झुरी झुरा जेन मैंने मारी जाइए से पाइबे बोले भले भाग्य कथ ना चेष्टा हाँ तक बापा आर तक पु आर गोटे झीटे से खोज अच्छे जेनटा एटा को गोटे को जाले धरलु आर गोटे को जेनटा कि आमर है जने मैंने बाड़ी करदे बोले से बाहरी गला बाहरी गला हाँ पेट टे फुली जाइला आ सीटा तर झीटा निखोज अच्छे सकाले चेष्टा करमा बाहर करवा लगे तो आमको भी थंडा होगा टी जर तबा टी हेती लगे हाँ फायर टीम अच्छा से माने भी कोशिश करूँ अच्छा तो हिंसा करेंगे आम जाऊँ तक गोटे हेले तो बाहर करूँ भावुँ भगवान कर दया गोटे हेले बाहर कर आमर आम दादा मैंने ही बाहर कर हाँ हाँ जेने कि आम सब झुरी मारी जासन केवट भाई मैंने से मैंने सब गुटा बाहर कर माधुरी देखो एम को साबासी देवा कथा कहीं संध्या साढ़े चार समय लगी निज उद्यम निज लोकाल डाने बिल्कुल जो कथा मल कहते सेठाकर स्थानीय बासिंदा मैंने लग पड़ते किभली ए विपदर मुकुबे झीव को किभली उद्धार करूँ एवं सुधा कौन खोज खबर मिल पारिना से अग्निशम बाहन मुतयन अच्छा से कौन से रियाक्शन मिलू कहीं ग्रामवासी तो यार कहते जे आउ खोजे ना अर्थात काल सका आसंता सका जहाँ खोजाखोजी करेंगे तो आज रात जो रही अग्निशम बाहिनी से पक्ष आज भी खोजाखोजी जारी रही राति निश्चित पक्ष माधुरी एने की प्रतिक्रिया ने चेस्टा करवा कहीं आप देखते गोटे अग्निशम बाहिनी बर्तमान से भितर रही चार पांचज कर्मचारी बोर्ड अच्छा जो लोकाल लोक खोजाखोजी करते कहीं राति हो तो कष्ट होगी खोजापी कि अग्निशम बाहन जारी रखी प्रतिक्रिया ना चेस्टा करवा जो अच्छा अग्निशम अधिकारी कहीं विलंब समय बीतुची तो कौटी ना कौटी खोजा टी कष्ट आज्ञा देखुचु आज्ञा कौन सर आमर ये चली रेस्क्यू चली खोजा चली खोजबू कि समय चल 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 आ घंटे खंडे चल हाँ आज्ञा आम टीम चलती आम फायर ब्रिगेड टीम चलती अच्छा अच्छा लोक अच्छा हाँ अच्छा घंटे पर्यटन आम आज्ञा निश्चित पक देखुले माधुरी जे आओ पाखापाखे घंटाए समय खोजापी चेस्टा कर अग्निशम विभाग पक्ष प्रतिज्ञा रखुले कहते कहीं ओके आहुरी एक घंटा धरी अग्निशम विभाग पक्षर उद्धार कार्य जारी रहिबो किंतु ग्रामवासी माने कोटना कोठी आशा छाड़ी देछन्ते एवं आसंता काली खोजाखोजी करिवे बोली जहाँ प्रतिक्रिया सूची ग्रामवासी सुरेंद्र बारिक जीवा को चाहिए सुरेंद्र वर्तमान मेडिकल परिसर में किभली चित्र देखुंत जितेबाले बापा को उद्धार कर मेडिकल भर्ती करता वर्तमान कौन अपडेट आस देखंतु माधुरी निश्चित भाव में कही पारिबा जे समलपुर दलेपड़ा आज गोटे कला दिवस जेहेतु आज दलेपड़ार मोहम्मद अल्ताप और पुओ मोहम्मद अफ्ताप और झी रुक्साना गाधोवाई जाते दलेपड़ा घाट को ठीक हीराकूद जलभंडार तलमुंड जो दलेपड़ा घाट को गाधोवाई जाते आज मुझे सूचना देवाक चाहे हीराकूद जलभंडार दुईट स्विच गैस और पावर चैनल देकर 57,000 क्यूसेक पा प्रभावित होती तो जितेबाला गाधोवाई जाते नदी में भासी जाते स्थानीय लोक
देखा पर स्थानीय लोक मत्स्यजीवी मैंने उद्धार पर चेष्टा करते अधघंटा पर ही फायर टीम घटनास्थल को पहुँचीदे प्रथम मोहम्मद अफताब को उद्धार कर संगे संगे संबलपुर सदर डाक्टरखाना को अणाई और डाक्टर मृत घोषणा करते किसी घंटा पर मोहम्मद अल्ताब अचेत अवस्था उद्धार कर मृत घोषणा कर तो आम सहित अच्छा आम स्थानीय प्रतिनिधि संबलपुर प्रतिनिधि शुभश्री जे कि खबर को से कवरेज करुते अच्छा शुभश्री तुम जितने आसीच देख लिख ली परेश कमी देखू आम जो प्रथम खबर पाई आसलु निहाती भाव बहुत बड़ दुखद घटना जेहतु गोटे पर तीन तीन जन सदस्य पाने भासी जाते जिते बड़े प्रथम पुओ को रेस्क्यू कराइला उद्धार कर मेडिकल को अणाइला से रिसीव डेथ घोषणा करते डाक्टर तापर कि समय पर पुणी बापा रेस्क्यू कर अणाइला हस्पिटाल को से बापा रिसीव डेथ डाक्टर घोषणा करते परिस्थित बहुत मानने शोकाकूल परेश सृष्टि आम से प्रतिक्रिया नापी चेष्टा करूँ पर सदस्यों पाखु स्थानीय जो आसते पड़ोसी लोकों पाखु कहीं प्रतिक्रिया देवाई असमर्थ प्रकाश करते कारण ये जो परेश हस्पिटाल परेश पूरा पूरी भाव में शोकाकूल परेश गोटे पर तीन तीन सदस्य दुई जन को डक्टर मृत घोषणा कर सारी जो झील रही वर्तमान सुधा खोजा चलती तेणु यठाकर परेश पूरा पूरी भाव में शोकाकूल परेश सृष्टि शोकाकूल परेश सहित पूरा संबलपुर आज एक प्रकार स्तब्ध हो जाए कहले चले कारण यह अघटना समस्त को स्तब्ध कर बर्तमान जो अपडेट आसुच्छी बापा और पुओं को मृत घोषणा करीओ को खोजाखोजी जारी रही अग्निशम बाहन उद्धार कार्य जारी रखी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन्द्र पारिक आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ रही है और मलय भई आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ रही है आगो को जारी रहिबो खबर अभियान सही चेक छोट ब्रेक ब्रेक परे स्वागत मालकानगिरी मोटो पुलिस राव बर्बरता घटन नुआ मोड़ तांत्रिक कथे गाँव में बसिता कंगारू कोर्ट पर हैदराबाद दुई युवक को गाँ को डाक पुलिस जीवा देते लोके तेज थाना भितर मद पी पुलिस युवक को माड़ मारी अभोग हो 50,000 टंका देवाई पुलिस कही अभोग कर 50,000 टंका दे छड़ा नड़ मर जा पुलिस मालकानगिरी रे पुलिस एपरी दादागिरी को नहीं प्रश्न उठी ओपिलिपि संस्था विरोध में तेजुची डंगरिया स्वर नियमगिरी दुर्गम अंचल डंगरिया जनजाति विकास पर सरकार कोटि कोटि टंका ओपिलिपि संस्था मध्यम विनियोग संस्थार कार्यकलाप को एवं नापसंद करने विरोध करिछन्ते लोके विकास नारे ओपिलिपि संस्था नियमगिरी अंचलवासी को ठकुवा अभियोग होइछि सरकारी रिपोर्ट कहुछि नियमगिरी डंगरिया जनजाति विकास लागि 2020-21 आर्थिक वर्ष 31,77,68,000 टंका देइछन्ति राज्य सरकार हेले अंचल विकासर चिन्ह बर्ण भी नाही एटि प्रश्न उठुछि सरकार देइथिबा कोटि कोटि टंका कहा पॉकेट को जाउछि कोण करुछन्ति रायगढ़ जिलापाल कहीं एप्रति दृष्टि देना जिला प्रशासन लोक मैंने लाभ में रही जो लोक प्रोजेक्ट कर के लाभ है आर विकास होना ओपिलिपि जो भीतर को प्रवेश कला लोक डिवाइड एंड रूल करुची हजार हजार कोटी टंका ये आदिवासी मान आसिक खर्च हो सारी इकेडी कथा कहतु कि आहुरी भी अन्य संस्थार कथा कहतु विभिन्न स्कीम रे कोटी कोटी हजार हजार टंका आसिक आज ये माने जो अवस्था को सही अवस्था कौन है कौन करे खाऊ कौटी बाट मारणा हो ना सरकार निगा नहीं कि कहार निगा ना एपिलिपि आमको सहायता सुजुक किसी करूना एपिलिपि आसिक लोक हईराण कर गोटे 10 घर को देक 50 घर को देने बोलकर कहते हैं गोटे 15 घर को देक 50 बस्ता देने बोलकर कहते आमको किसी हईराण कर आगे
ଆମର ଟିକେଟି ସେଟା ଟିକେ ଚଲୁଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ସେହି ଖବରକୁ। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୋ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଡାକି ପୋଲିସରେ ଯିବା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଥାନା ଭିତରେ ମଦ ପିଇ ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱୟଂ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ମଦ ପିଇ ପୋଲିସ କିଭଳି ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୋଟୁ ଥାନା ଅଛି, ଥାନାରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଖବର ଗତକାଲିଠୁ ଅର୍ଗସରେ ଅନବରତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏ ଘଟଣା କୋଟି ନା କୋଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ସେ ଭିତରୁ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଯୁବକକୁ ଉଠାଇ ନେଲା, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିକି ଥାନାରେ ମାଡ଼ାଯିବ। ମାଧୁରୀ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଗାଁରେ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ମାଲାଭରମ ପଞ୍ଚାୟତର MPB 81 ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଥାରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା। ସେ ଯୁବକମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା। ତାପରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଗାଁରେ ବସିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଡକା ହେଲା। ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଯୁବକ ହିଁ ସେ ଚୋରି କାମ କରିଛନ୍ତି MPB 81 ଗାଁରେ, ତ ମୋଟୁ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଜିମା ଦିଆଗଲା। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ କରି ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 30 ତାରିଖରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଥାନାରେ ରଖାଗଲା, ଆଉ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ କାଳ ଅନବରତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ମଦ ଖାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଯୁବକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୋଲିସ ଚିତ୍ର, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣ ଆଉ ତୁମକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିଲା, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଆଣିକିନା 50,000 ଟଙ୍କା ଥାନାରେ ଦେବ, ନହେଲେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ମାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ MB 79 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ତାପରେ ଏହି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, କୋଟି ନା କୋଟି ମାଲକାନଗିରି SDPO ଘଟଣାକୁ ତତ୍ପର ସହ ନେଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ MB 79 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା କଲେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ, ତଦନ୍ତକୁ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେମିତିକି ସୁଧାର ଆସିଲାନି, ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଣାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ମୋଟୁ ଥାନାରେ ସେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ମଦ ପିଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଦଳବେହେରା SI। ସେ SIଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମୋଟୁ IIC ଯିଏ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ବିଶୋଇ, ସିଏ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଦଳବେହେରା SIଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ମାଧୁରୀ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସର ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ କେମିତି ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ? ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ, ତଦନ୍ତ ଦିଗ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ? କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଥାନାରେ CCTV ଲାଗିଛି, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବ କି? ତା ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି? କାହିଁକିନା ପୋଲିସର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ, ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରେ କାଲିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଥିଲେ, ଭଲ ଥିଲେ, ଏବେ ପୋଲିସ ଆମ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଏହା ଆଦୌ ସହନୀୟ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେ ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଲକୁଲ, ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିକ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଯଦି
साधारण लोक सुरक्षा देवाई ना तेज अत्याचार पाई कि ये गोटे बड़ प्रश्न आसूब धन्यवाद विक्रम स्वयं रिपोर्टर आम सहित जोड़ रही है आसिया परवर्त खबर को 38 वर्ष पदार्पण करलकानगि जिला दिने माओगढ़ रूपे परिचित ए जिला आज भी अवहेलित अवस्था जिले में सात महला विशिष्ट अत्याधुनिक चिकित्सालय रही सत किंतु सेठाने डाक्तरों अभाव रही एमती अनेक समस्या दे गति कर जिलावासी 29 वर्ष पदार्पण मालकानगिरी जिला दिने माओगढ़ भाव में बेस परिचित लाभ कर जिले में अनेक क्षेत्र में माओमुक्त हो माओमुक्त होगापर जिलार केते विकास हो जिलार वर्तमान स्थिति कौन ता परीक्षापी देखु आमर ये स्वतंत्र रिपोर्ट 29 वर्ष मालकानगिरी जिला स्वाभिमान अंचल बोली घोषणा कले राज्य सरकार लोके भाविते देखिबे विकास बढ़िबो स्वाभिमान किंतु से आशा आशे ही रही जाइछि बिचिनांचलर लोके आगरु जेमिति थिले एबे भी सेमिति मालकानगिरी जिल्ला रे आदिम जनजाति कहिले चंडा तिहाई कोहिया संप्रदाय भली आदिवासी रहउछन्ति किंतु आज भी सेमाने अवहेलित बंडांक विकास पई थिबा बंडा उन्नयन संस्था ओ बिताईंक विकास पई डिटाल उन्नयन संस्था निष्क्रिय केउटी विद्युत नहीं तो केउटी रास्ता नथिबारु खटिया रे बुआ होउछन्ति रोगी एबे भी झरणा पानी पिउछन्ति लोके सरकार को एतकी अनुरोध जे हमकु बोलो रास्ता गुड देबे बोलो टिबल देबे आगर लोक जेंती डेमो पानी पिउतिले एबे भी हमें कोई पानी पिउछु 29 वर्ष रे जो परिमाण रे उन्नति होबा कथा थिला से पर उन्नति प्रकृत अनुसार हेइनी तेणु आम चाहू सरकार किसी पदक्षेप नुंतु आहरी मालकानगिरी उन्नत करने जो सरकार पदक्षेप ने उन्नति हवा संभव जिले में स्वास्थ्य सेवार विकल चित्र सामना को आसुची सात महला विशिष्ट चिकित्सालय निर्माण किंतु डाक्तर अभाव रही फल लोके बाहर राज्य बा जिला निर्भर करपर जिला गठन होगापर जिले में तहसिल कार्यालय जिलापालों कार्यालय जिले बीएड कॉलेज निर्माण हो 4 वर्ष हो गले भी ताहा आज पर्यंत खोला हो पारिना फल युवक मैंने आंध्र और बाहर राज्यर कॉलेज पर निर्भर बाहर राज्य को जाई नानादि समस्यार सम्मुखीन होती स्वाभिमान अंचल नाटा सीधा शुणा खूब सुंदर लगेगा कि कौन स्वाभिमान बढ़ला जो आम आज पर्यटन जापार सेठिकार लोक आज भी से बिछना अंचल जो भाई पिस्थित से पिस्थित अच्छा आज भी रोगी आपणकर खटिया बुआ हो आज भी डक्टर ना बड़ मलकानगिरी एत बड़ सातकटा विशिष्ट हस्पिटाल बनाहला कि डक्टर कहीं यही जो बेकारी समस्याटा एथिपाई जे सेमाने आंध्र केरल एवं बेंगलोर विभिन्न जगार दादन खटिया जाऊँच कहीं ये आमर सेमती सुजोग ना आठ मानने पाठ पढ़ी मत से बेकार अच्छा ओडिशा राज्य आमर 14 किलोमीटर दूरी तारे छत्तीसगढ़ राज्य अच्छी 8-9 वर्ष होगा जिला गठन करकेटर डेवलपमेंट देखु मलकानगिरी यूथ मास जा दादन खटवाप आंध्र प्रदेश बहुत दुखर कथा ये बोलिया शासक दल 21 वर्ष शासक थी यूथ मास गुड़ाक सब जगह दादन खटवाप 12 राज्य को जाऊँच मलकानगिरी जिला 29 वर्ष पदार्पण कला किंतु जिले में आज भी अनेक विकास बाकी रही जा दीर्घ 29 वर्ष पर मलकानगिरी जिलार प्रकृत चित्र आम आपन को देखलु एठार विकास हो सत किंतु जिले में एमती कि अंचल अच्छी जोठार आज भी विकास कोष दूर रही जा राज्य सरकार स्वतंत्र फोकस जिले में केते विकास होते विकास होवार आवश्यकता रही से विचार आपण मैंने ही करेंगे मलकान जिलार भिड़ दिन श्रामकृष्ण गोलेन सह विक्रम केसरी स्वईं अर्गस न्यूज नाही नाही रो गाँ कोरापुट नंदपुर ब्लॉक रो देवसनगुड़ा गाँ को आज पर्यंत रास्ता टे हो पारानी विपदपूर्ण डंगारे ढंगरे नदी पार हो जास कर प्रत्येक दिन ग्रामवासी विपदपूर्ण ढंगरे जास कर गाँ लोके ब्रिज पर बारंबार दावी करछंती ब्रिज हो पारा ना खाली से नुहे गाँव में गोटे भी छात घर देखा मुस्किल पहाड़ उपरे गाँ तले खरस्रोता नदी प्रतिदिन विपद को बरण कर जास करती लोके ये दृश्य हेउछि कोरापुट नंदपुर ब्लॉक रायसिंह पंचायत देवसनगुड़ा गाँ बाहर दुनिया ठारु गाँ एक प्रकार विच्छिन्न कहिले भूल नुहे कारण
नदी में सबुबले जीवा संभव नुहे। एटी नदी पार हेबा अर्थ विपद को बरण करिबा। एटी पादे पादे विपद गोड़ खसीगले जीवन एक प्रकार गला कहले चले। ब्रिज पर बारंबार दाबी करिछति अंचलवासी। हेले एति सबु परे भी चुप प्रशासन। समय सरिछि बुलेटिन कोइठि रखुछु। नमस्कार।